हेलो जी, तो मैं हूं अपने बोरोसिल किचन में और आज बनेगा ज्वार खजूर का हलवा। तो बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है ना भाई, घर पे बनता है हलवा और पूरा परिवार मिलके खाता है। और ये हलवा यूनिक इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी भी। हम ज्वार यूज कर रहे हैं सुपर फूड्स की तरह, राइट। क्या करना है सबसे पहले, और ये है बोरोसिल का एसएस सॉस पैन और ये ट्राई फ्लाई वाला सॉस पैन है। ट्राई फ्लाई के कारण इसकी जो हीट है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है और सिलिकॉन हैंडल होने के कारण आपको झक्के नहीं लगते, गर्म नहीं होता, राइट। बहुत यूनिक फीचर्स है और मेरा बोरोसिल किचन इतना सुंदर है पूछिए मत। तो पानी हमने डाल दिया यहां पे, गुड़ ले लेते हैं एक कप। गुड इज ऑलवेज वेरी गुड, राइट। ये इसमें इलायची पाउडर ये भी डाल लेते हैं और मैं एक काम करता हूं, थोड़े से खजूर इसी पानी में डाल लेता हूं। 10-12 खजूर लीजिएगा और उनको बारीक काट लीजिएगा। बोरोसिल की ऐसे कढ़ाई ले लेते हैं, ये भी ट्राई प्लाई वाली है, इसके भी हैंडल जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कान, वो ठीक है ना। इसके हैंडल भी सिलिकॉन के है ताकि गर्म नहीं लगे। एसएस के बर्तनों में सबसे ज्यादा तकलीफ यही होती है, जो हैंडल्स होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो स्मार्टली सिलिकॉन की कोटिंग दे रखी है जिसके कारण गर्म नहीं होते। तो ये रहा घी, ये लगभग समझिए कि 4 बड़े चम्मच घी के डाल दिए। इसको करेंगे गर्म। बारिशों में हलवा पकौड़े ऐसी चीजें खाने का मजा बिल्कुल अलग है। अब इसमें ज्वार का आटा डाल लेते हैं। तो लगभग लगभग 1.5 कप ज्वार का आटा लिया है, ये लीजिए, और इसको आप भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा। रेसिपी थोड़ी आसान है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। तो ये लीजिए ज्वार का जो आटा है वो बढ़िया तरीके से भून लिया हमने, और यहाँ पे जो मेरी चाशनी है वो भी तैयार। और आप घर पे आगे पीछे फ्लेम से करते रहिएगा ताकि जो ज्वार का आटा है वो जले नहीं। ऐसे में अब मैं नट्स डाल लेता हूँ, थोड़े बादाम, किशमिश, ये लीजिए ये डाल लिया, एक एक बड़ा चम्मच डाल दीजिए। पिस्ता मैं अलग से रख दूंगा गार्निश के लिए, और इनको अब भून लेंगे। आपको अलग से घी में भून के रखना है, आप वो भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी कर सकते हैं। बढ़िया भुनाई हो गई अब, वाह। चाशनी डाल लेते हैं, इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब चाशनी डालने के बाद पकाना है, ये लीजिए गाढ़ा हो गया हलवा, वाह। अच्छे से मिला लेना है ताकि कोई भी गुठलियां ना रहे। क्या बात है, ये लीजिए हलवा बिल्कुल तैयार। फटाफट मैं इंडक्शन बंद कर लेता हूँ और मुझे क्या करना है, थोड़ा सा खोया डालना है इसमें, ये खोया डाल लेता हूँ। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, घर पे है या स्पेसिफिकली आपने मंगा के रखा है क्योंकि आपको पता आपने ये रेसिपी बनानी है, तो बिल्कुल सही है, डाल लीजिएगा। हो गई जी तैयारी और ये हमारा ज्वार का हलवा बिल्कुल तैयार। परोसने के लिए भी मैं तैयार हूं। मेरे पास ये बोरोसिल के सुंदर से लारा सीरीज के बोल्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। मुझे ये रेड स्टिक्स वाले बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनल फेवरेट आई वुड से। और ये मैं ले लेता हूं, ये लीजिए। अब इस पे थोड़ा से खजूर डाल लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा मैं थोड़े से पिस्ता रखूंगा, ये लीजिए। क्या बात है, मुझे हड़बड़ी इस बात की होती है कि मैंने आपके लिए तो बना लिया, मैं अपने लिए भी ले लेता हूं, है ना। मैं थोड़े से पिस्ता डाल लेता हूं, फिर आपके लिए बनाया। और बनाते बनाते जब भूख लगने लगती है और फिर लगता है कि इतना अच्छा बना है तो मुझे भी खाना चाहिए। जैसे आप घर पे बनाएंगे फिर परिवार को खिलाएंगे, सभी लोग आपको कहेंगे क्या बात है मजा आ गया, क्योंकि बोरोसिल है तो इजी है और शेफ अकबाल है
तो रेसिपीज एकदम आसान स्वादिष्ट है।